गुड मॉर्निंग बच्चों मैं मनोरंजना शुक्ला आपकी संस्कृत टीचर आज हम आपको पाठ एक श्री कृष्ण वंदनाम यानी श्री कृष्ण जी की वंदना पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चों श्री कृष्ण भगवान को तो सभी जानते हैं है ना वो जो इन्होंने किसका कंस मामा का वध किया था है ना और मथुरा में जन्म लेकर यशोदा नंद मामा के यहाँ पले बढ़े और बाद में कंस मामा का वध किया है ना तो कृष्ण भगवान को तो सभी जानते हैं तो आज हम उनकी वंदना पढ़ने जा रहे हैं तो बच्चों सबसे पहले देखिए मेघ स्वरूपम मुरली गृहितम पांचो यशोद भवने लठ लुठंतम तो बच्चों देखिए मेघ स्वरूप यानी मेघ के समान स्वरूप याने सावला सलोना रूप है और मुरली ग्रहितम यानी मुरली ग्रहण किए हुए हैं पाँच सौ यानि धूल में यशोदा भवनी यानी यशोदा जी के भवन में लुठनतम यानी लौटते हुए यानी श्री कृष्ण जी का सावला सलोना रूप है और मुरली लिए हुए हैं और धूल में यशोदा माँ के भवन में लौटते हुए प्रफुल्लवदे वक्तृ नवनीत लग्नम ब्रजे भ्रमत प्रणमा कृष्णम याने प्रसन्न मुख में चेहरे पर मक्खन लपेटे हुए ब्रज में घूमते हुए ऐसे कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ या प्रणाम करता हूँ नमामि ब्रजेशम मुरारी सुकृष्णम मुकुंदम विभुव व्यापकम ब्या, अच्युतेशम यानि मैं ब्रजेश मुरारी कृष्ण मुकुंद विभू यानि विष्णु भगवान का नाम है विभु और व्यापक यानी बड़ा अच्युतेशम यानी जिसका कभी नास नहीं होता है नाशहीन है ऐसे कृष्ण को मैं हमेशा नमन करता हूँ या करती हूँ हरीम चक्रपाणि गिरीम धारियन सद सुदा शखायाम निरीहम स्मरामी और हरि जिन्होंने चक्र धारण किया हुआ हरि भी कृष्ण कृष्ण भगवान यानि विष्णु भगवान का ही नाम है तो जिन्होंने चक्र धारण किया हुआ है और पर्वत को उठाया हुआ गिरीधार्यन्तम यानि पर्वत को उठाया हुआ है निरीहम यानि होता है इच्छा रहित तो सुदामा शखायम निरीहम स्मरामी यानी सुदामा जी के जो सखा है और जिन ऐसे कृष्ण भगवान की मैं हमेशा स्मरण करना चाहता हूँ एक बार फिर से सुन लीजिए हरि यानि श्री विष्णु जो चक्र धारण किए हुए हैं और गिरी गिरिधार्यन्तम यानी पहाड़ को भी उन्होंने उंगली में धारण किया हुआ है और जो सुदामा जी के शखा हैं तो मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं हमेशा इनका स्मरण करता रहूं तो एक बार बच्चे फिर से सुन लीजिए सांवला सलोना रूप है मुरली ग्रहण किए हुए हैं यशोदा माँ के भवन में धूल में लौटते हुए और प्रसन्न मुख में चेहरे पर मक्खन लपेटे हुए हैं ब्रज में घूम रहे हैं ऐसे कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं और जिनके नाम अनेक हैं जैसे ब्रजेश मुरारी कृष्ण मुकुंद और विभु यानी विष्णु और व्यापक यानी बहुत बड़ा अच्युतेशम यानी जिसका कभी नाश नहीं होता तो मुकुंद विष्णु और व्यापक जिसकी कोई सीमा नहीं है इतना बड़ा और जिसका कभी नाश ना हो तो ऐसे कृष्ण को मैं हमेशा नमन करता हूँ हरी चक्रपाणि यानी हर विष्णु भगवान जो चक्र को हाथ में धारण किए हुए हैं और जिन्होंने अपने उंगली में पर्वत को धारण किया है और जो सुदामा जी के सखा हैं तो मेरी इच्छा है कि मैं हमेशा इनका स्मरण करता रहूं तो बच्चों आपको ये श्लोक समझ आ गए होंगे तो आप इन्हें लिखकर मुझे इनकी हिंदी सेंड करेंगे और अपने अपने नाम ज़रूर लिखिएगा कि ये किसने मुझे भेजा है ठीक है तो आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि ये अर्थ आप अच्छे से लिखें और याद करें और लिख कर मुझे सेंड करें तो आज के लिए इतना ही बच्चों धन्यवाद